Hello friends, today our topic is the measurement of length. यानी कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें length के सरसे हम measurement लेते हैं और measurement यानी किसी चीज को मापना आंकन करना कि उसकी क्या exactly क्या height है क्या length है कितना wide है वगैरह वगैरह. अब मेरी height भी इतनी है तो मेरी height exactly कितनी है तो कहेंगे कि 5'10" है 5'10" ऐसे सारे क्या होता है measurement होता है. और ये सब क्या हम लेंथ में मेजरमेंट देखते हैं तो लेंथ में मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या आती है इसकी हाइट देखी जाती है ये मीटर में होगा किलोमीटर में होगा या फिर इंच टेप से ली जाती है. जैसे अपने हाइट को मेजरमेंट करने के लिए इंच टेप का यूज किया जाता है. अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए स्केल रोलर का यूज किया जाता है. एक्स वाई जेड इस तरह से आयरन रोड का भी क्या करते हैं मेजरमेंट लिखे हुए पर हम क्या करते हैं लेंथ को मेजर करने के एपरेटस में काम लेते हैं. अब लेंथ जनरली क्या होती है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस तरह से होती है. और हाइट को जब मेजरमेंट करते हैं तो इसमें करते हैं 4'10" ओके. एक फुट में कितना होता है हमारा 12 इंच और एक इंच में कितना मीटर होता है 0.025 मीटर होता है ओके. अब हम कुछ बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात करते हैं तो जनरली हम लेंथ को किसमें लेते हैं मीटर में. उससे पहले हम इन टर्म्स को देखते हैं कि किलो हेक्टो डेका मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सारी जो टर्म्स है ये सारी किसमें आती है मेजरमेंट के अंदर आती है कि हम किसी चीज को किस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ के अंदर. किलो से है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर. इस तरह से ये तो हमारी कुछ जो इम्पोर्टेंट और जनरली बार बार यूज में जितनी रहती है वो सारी ये यूनिट्स है. और इनके साथ कुछ और भी लेंथ की क्या होती है यूनिट होती है किलोमीटर हेक्टा डेका मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है लेंथ में मिलीमीटर और सबसे ग्रेटर कौन सी होती है किलो. अब 1 किलोमीटर में कितने हेक्टा मीटर होता है तो मल्टीप्लाई 10 करते हैं. हेक्टो से डेका पे जाने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई 10 यानी कि बिग से स्मॉल जब भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और इन सब में कितने का गैप आता है इस डिजिट में 10 का गैप आता है. आपको एक छोटा सा चार्ट समझाते हैं किलोमीटर से मीटर मीटर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मिलीमीटर. आपको एक ही चीज बताइए कि बिग टू स्मॉल जब भी हम जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा BSM और स्मॉल से बिग जब भी जाएंगे तब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. ये आपको शॉर्टली याद रखना जैसे पावर रेंजर अपन SPD याद रखते हैं वैसे यहाँ पर SPD यानी कि स्मॉल को बिग क्या होता है डिवाइड होता है. बस ये एक चीज अगर आपने याद रख ली तो ये चाहे वो टाइम हुआ चाहे वो मेजरमेंट हुआ चाहे वो कैपेसिटी हुआ किसी भी टर्म में आप यूनिट कन्वर्टिंग करोगे कि आपका क्या रहेगा सेम रहेगा. 1 किलोमीटर बिग टू स्मॉल जा रहा है तो क्या होगा मल्टीप्लाई. अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 इसलिए हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर. फिर मीटर से सेंटीमीटर पे जाना तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई क्योंकि मीटर बड़ा है सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट यूनिट है 100 क्योंकि हमारे पास 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10. अब मैं कहती हूँ कि मुझे स्मॉल से बिग यूनिट जाना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो क्या करा जाएगा डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर से मीटर पर जाना तो डिवाइड बाय 100 एंड मीटर से किलोमीटर जाना तो डिवाइड बाय 1000. इस तरह से हमें इसकी क्या करना है कुछ बेसिक तो ये चार्ट है आपको इफ यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट तो यू हैव कम्प्लीट योर कन्वर्टिंग और उससे भी छोटा स्मॉलेस्ट फॉर्मेशन क्या है रखना कि बिग टू स्मॉल क्या होता है मल्टीप्लाई SPD यानी कि स्मॉल टू बिग क्या होता है डिवाइड. अब इसी में आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं यूनिट कन्वर्टिंग की उसके लिए वहां पर हम एडिशन भी देखते हैं इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन. यूनिट कन्वर्टिंग आधा ब्रैकेट है 5 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर 1.5 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर 5000 मीटर है इक्वल टू किलोमीटर 4 1/2 सेंटीमीटर है मिलीमीटर. तो आपको यहाँ पर कुछ यूनिट कन्वर्टिंग दे दी गई है तब इसको सॉल्व करना है किलोमीटर से किस पर जाना मीटर पर किलोमीटर से मीटर मल्टीप्लाई कर 1000 तो 5 × 1000 कितना हो जाएगा हमारा 5000 मीटर. अगर मिक्स फॉर्म में दे रखा है तो पहले क्या करें प्रॉपर में कन्वर्ट करें 2 × 2 2+1 कितना हो जाएगा 3 3/2 ठीक है. अब मीटर से कहाँ जा रहा है सेंटीमीटर मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है मीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सॉल्व करने के 2 मेथड है फिर से 3 × 100 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 300 और 2 डिवाइड करेंगे तो कितना देगा 150 सेंटीमीटर तो यहाँ हो जाएगा 150.
If you have thinking, ma'am, yahan se hum direct isko reduce kare 2 ke liye aur 100 ki baat hai 50 times 5 se jaye kitna ho jayega hamare paas 150. To is tarah se ye hamare paas jata hai solution ho jata hai. Ab aapko meter se kilometer pe jana hai. Meter se kilometer pe jana hai to kya karenge? Small se D ke divide divide by kya ho jayega? 1000 30 niche 30 upar cut reduce ho jayenge kitna bachega? 5. अगेन 4.5 सेंटीमीटर और भी डायरेक्ट अगर सोल्व करवाए तो 4 सेंटीमीटर से कितने मिलीमीटर हो जाएंगे 40 और हाफ में कितने हो जाएंगे 10 का हाफ कितना हो गया 5 तो 40 का ये तो डायरेक्ट हम अंडरस्टूड कर सकते हैं बट इसको प्रोसेस से करें मैं फॉर्म कोई प्रॉपर 4 टू साइड 8 प्लस 1 कितना हो गया 9/2 सेंटीमीटर से मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 2 के टेबल में 10 कट गया 5 का 9/5 45 तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया यूनिट कन्वर्ट ऑपरेशन पूछा जाए 5 किलोमीटर को प्लस करना है 5 किलोमीटर जेड वाई 4 किलोमीटर 900 मीटर और इसको ले सकते हम 200 इसको आपको प्लस करना है तो वही सिमिलर किलोमीटर हियर यू आर राइट मीटर 5 किलोमीटर 200 मीटर 4 किलोमीटर 900 मीटर नाउ लुक एट दिस ओके एट दिस मीटर से मीटर प्लस हो जाएंगे कितना हो जाएगा 1100 और 5 प्लस 4 9 हो जाएगा और 1 किलोमीटर में कितना मीटर है 1000 तो ये मोर देन 1000 मतलब इधर से 1000 माइनस और इधर प्लस 1 10 किलोमीटर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 मीटर इस तरह से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं सपोज यहाँ पर इसको माइनस करना होता तो क्या कंडीशन होती 2 से 9 में सब्ट्रैक्ट नहीं होता है सही होता है तो यहाँ से हम बोलो लेंगे 1 किलोमीटर ये किलोमीटर इधर जाके मीटर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर आप अगले चाहो तो अगले स्टेप में फिर से यहाँ ले सकते हो 1200 हियर 900 और ये तो 4 माइनस ये कितना हो गया 0 और 12 यहाँ कितना हो जाएगा 300 मीटर इस तरह से हम इसकी हमारी कंपेरिजन मेजरमेंट ऑफ लेंथ की यूनिट को कम्प्लीट करते हैं थैंक यू